क्या बात है, ओपनिंग पेयर को चेंज किया गया है। जीतू गौली आए हैं ओपन करने के लिए। हमारे बीच सम्मान्य राजू पाटिल जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष, उनको थोड़ी जल्दी है। राहुल पाटिल जी आइए, मैं मुफस्सिल पटेल से कहूंगा कि उनका सत्कार, सम्मान और स्वागत करें। आइए, हम आज एवन ट्रॉफी में माननीय श्री राहुल पाटिल जी का भव्य सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष, उन्हें प्रेम भरी है शॉल ओढ़ाई जा रही है, और ये मापोली वालों का प्यार पुष्पगुच्छ। धन्यवाद सर, आपने उसको कबूल किया। बैक टू क्रिकेट, रन मशीन आतिश पाटिल और जीतू गौली जी। बिल्कुल बाबे सर, पहली गेंद वहां पर हल्के हाथों से इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, रन के लिए निकल पड़े थे, वहां पर बच गए आतिश, ओवर थ्रो होता हुआ दूसरे के लिए निकल पड़े दो रन आते हुए इस गेंद के ऊपर। तो इस दो रन की मदद से आतिश का और मराठा पंजाब का खाता खुलता हुआ। देखिए, जो लोग अभी अभी हमारे टेलीकास्ट से जुड़े, उनकी मालूमात के लिए कि ग्रामीण से घुटगांव और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा मापोली एवन ट्रॉफी के ग्रैंड फिनाले में पहुंची है। महामुकाबले में युति का स्पॉट पहुंच चुकी है। ये दूसरा सेमीफाइनल धनेश कुक से बनाम मराठा पंजाब। इस बार आगे निकल कर खेलने की कोशिश की थी वहां पर आतिश ने, गेंद की पिच तक पहुंचकर खेलना चाहते थे इस गेंद को। अच्छी गेंद एक बार फिर से रही वहां पर अख्तर शेख की। इस मैच में भी अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक लेता है तो फरहान खुदकर की तरफ से 1500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस सीजन में BC4 सिटी क्रिकेट में दोनों टीमें 13वीं मरतबा टकरा रही है। इससे पहले 11 मुकाबले धनेश ने जीते, एक मुकाबला मराठा पंजाब ने। उसी बीच वहां पर देखना है बड़े हिट की तरफ गए इस बार आतिश, लॉफ्ट कर दिया लवान के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट इस वक्त आता हुआ आतिश के बल्ले से। कई दिन से सोच रहा हूं कि आतिश पाटिल को ऊपर बल्लेबाजी को क्यों नहीं भेजा गया है। जब आपके बल्लेबाज थोड़ा सा फ्लॉप चल रहे हैं, आतिश पाटिल वो खिलाड़ी हैं, क्या फॉलो थ्रू था। माइक हसी की याद ताजा होती हुई जा रही है, मस्तक पे दस्तक, सजनी चली साजन के घर। अच्छी वापसी अख्तर शेख की। राहुल पटेल साहब, हमसे विदा लेते हुए आपने कीमती समय दिया, आपका विशेष धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच में मजर खान तसौफ बूढ़े जो हैं वो इंस्टाग्राम के स्टार हैं। यही कारण है कि मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी से दूर हूँ। इस बीच अगेन बैकफुट पे चले गए कि इनको स्टीयर किया। जब टेक्स्ट मैसेज 7,000 और 8,000 आए तो क्या फेसबुक इस्तेमाल करे, क्या व्हाट्सएप करे। आपको क्या जरूरत है भाभी सर फेसबुक और टिकटॉक चलाने की, आप वैसे इतने बड़े स्टार है, कॉमेंट्री के स्टार है, आपको क्या जरूरत है किसी चीज चलाने की। उसी बीच अच्छा ड्राई लगाते हुए जीतू गौली इस गेंद के ऊपर, अच्छी फील्डिंग रही वहां पर भावेश पवार की। एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 10 रनों पर। तो दूसरे सेमीफाइनल की इस वक्त शुरुआत हो चुकी है, जबकि फाइनल में इस वक्त पहुंच चुकी है युतिका स्पोर्ट्स। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर बना है 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर मराठा पंजाब। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर कहना होगी पहले ओवर में रही मराठा पंजाब की, जहाँ पर 10 रन आए और कोई विकेट भी नहीं गिरा। तौसीफ बुरे वहां से मैच का मजा लेते हुए VIP डेस्क से, बगल में मुदस्सर पटेल हैं जो अभी अभी अध्यक्ष पद पे चुने गए हैं पालघर जिला कांग्रेस कमेटी के।
तो दूसरे ओवर के लिए गेंदबाज हेमंत को बुलाया गया है। हेमंत हरट इस वक्त आते हुए गेंदबाजी के लिए। समीर तांगड़ी भी हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम समीर। पहली गेंद वहां पर हेमंत की, स्विच हिट खेला है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई चार रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ जीतू गवली के बल्ले से। बिल्कुल, इस वक्त मापोली एवन ट्रॉफी में आवाज गूंजता हुआ मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान नबील का और सिक्का चलता हुआ नाइन स्टार ग्रुप का जीतू गवली। दोस्तों, ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप नहीं भूल सकते मेयर कप 2007, नहीं भूल सकते 5, नहीं भूल सकते 6। ही इज द की प्लेयर। एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक खेलना चाहते थे। एक रन आता हुआ इस बार इस गेंद के ऊपर, इसको आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 15 रनों पर। बिल्कुल, बहुत ही जेंटलमैन क्रिकेटर हैं जीतू गवली और पायगांव ने 4 हीरे दिए तालुका क्रिकेट को। जीतू गवली, दीपक मंडवी, प्रवेश देवलीकर और सबसे बढ़कर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर। उसी बीच वहां पर देखना है बोल्ड होगा इस बार। आतिश पाटिल की पारी समाप्त होती हुई और ऑन द लेग्स बोल्ड होते हुए इस वक्त पहला विकेट गिरता हुआ मराठा पंजाब का। ये देखिए किस तरह से वहां पर फ्लिक करना चाहते थे इस गेंद को, विकेट को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया। नहीं, मेरे ख्याल से प्ले डाउन हो गए, प्ले डाउन हो गया। आइए देखते हैं। यस, प्ले ऑन हो गए। पैर के बीच में से हेमंत हरट, टॉल मैन, ये भी गजब के खिलाड़ी हैं। इस सीजन में बहुत कम गेंदबाजी इनको मिली है, जब मिली है इन्होंने गुच्छों में विकेट लिए। हेमंत हरट, वन ऑफ द ग्रेट बॉलर। तो पहला विकेट गिरा इस वक्त आतिश पाटिल के रूप में मराठा पंजाब का। बल्लेबाजी के लिए इस वक्त आते हुए श्याम चौधरी। कल के दिन हमने देखा क्या बल्लेबाजी की थी उन्होंने। हेमंत हरट इस बार सामना करेंगे श्याम चौधरी। उसी बीच वहां पर हल्के हाथों से इस गेंद को खेला है श्याम चौधरी ने। एक रन पूरा किया डीप से, जब तक खिलाड़ी आते हुए दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर। अच्छे रन बिटवीन द विकेट होती हुई 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद का सामना किया था वहां पर श्याम ने और बहुत ही हल्के हाथों से खेला था। डीप से खिलाड़ी आते उसी बीच 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल, कल की शाम की जो इनिंग थी उसकी चर्चा काफी आज चल रही है और यही कारण है कि उनको वन डाउन। देखिए, अब गेम प्लान मराठा पंजाब ने भी चेंज किया है, जो फॉर्म में उसको ऊपर भेजा जा रहा है। यही तो सही क्रिकेट है। माना आपका क्लास बड़ा है लेकिन आपका फॉर्म टेम्पररी है तो फिर आपको रोक देना चाहिए। बीच में वहां पर एक और विकेट गिरता हुआ, एक और बल्लेबाज बोल्ड होकर वापस जाता हुआ। कल के हीरो इस वक्त कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। देखिए, श्याम चौधरी थोड़ा सा हेमंत हरट को उस तरह का शॉट खेलने के, वो उस तरह के गेंदबाज नहीं है। इतना अगर आप विकेटों को खुला छोड़ेंगे तो फिर बोल्ड ही हो जाएंगे। क्या बॉलिंग कर रहे हैं बिग बट हेमंत हरट जी। बिल्कुल बाबे सर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त हेमंत हरट की। अब तक 2 विकेट हासिल किए अपने ओवर में। और लेकिन बाबे सर, यहाँ पर धनेश ने भी तो अपना गेम चेंज किया है। भावेश पवार को दूसरे ओवर में नहीं बुलाया और हेमंत को बुलाया। जो गेम प्लान उन्होंने चेंज किया था वो काम करता हुआ इस वक्त। देखिए, 2 ऐसे टूर्नामेंट है जिसपे सेकंड पोजीशन पे रैंक कर रहे थे हेमंत हरट। हेमंत हरट को बॉलिंग कम मिली है लेकिन जब भी मिली है उन्होंने साबित कर दिया है पामोले का जवाब नहीं अन हेमंत हरट का जवाब नहीं।
खेल को रोकना है एम्पायर्स। हमारे बीच में माननीय श्री कुंदन पाटिल जी का आगमन हो चुका है, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथ में नरेश जी भी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है मापोली एवन ट्रॉफी में। नरेश जी हमारे बीच में हिमांशु धाबा के प्रोपराइटर हैं, गेंदबाजी के लिए हेमंत हरट तैयार होते हुए। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया ओवर इस वक्त घटता हुआ हेमंत का। बीच वहां पर घूम कर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर दानिश ने, एक और अच्छी गेंद रही वहां पर हेमंत की। ओवर की समाप्ति होती हुई, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया मराठा पंजाब ने 17 रन, 2 विकेट गंवाने के बाद बहुत ही बढ़िया ओवर रहा है यहाँ पर। क्या मौसम है, क्या मौसम है, ठंडी हवाएं बह रही है, दूधिया रोशनी पूरे माहौल को अपनी बाहों में समेटती हुई। आइए इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। हमारे बीच में डैशिंग और डायनामिक तौसीफ भूरे साहब हैं, मैं फराज थानवाल साहब और जोएब हलबे दोनों से कहता हूँ कि मोहतरम तौसीफ भूरे साहब की इज्जत अफजाई करे, पजीराई करे, उन्हें खुशामदीद कहें। ये देखिए तौसीफ भूरे की इज्जत अफजाई होती हुई, उन्हें शॉल।
लौट चलते हैं क्रिकेट की तरफ। आप भी बड़े खूबसूरत हैं, अदनान भाभी तो बहुत खूबसूरत है। किसी ने कहा है कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में ये कयामत की अदा होती है। और तुम जो आते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कजा होती है। तीसरे ओवर के लिए अब भावेश पवार को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे जीतू गौली। हमसे जुड़ चुके हैं मोहतरम नमीर पटेल साहब, आपका इस्तकबाल है। इस बीच गेंद बहुत ही तेज निकल गई जीतू गौली को बीट करती हुई गेंद मथीन के पास डॉट के रूप में। बहुत खूबसूरत यॉर्कर लाइन की गेंद थी, पढ़ने के बाद हल्की सी बाहर की जानिब कटी थी डॉट गेंद। ये तो वैसे भी कातिल खिलाड़ी है भावेश पवार। फिर एक बार बढ़िया गेंद, इस बार गुड लेंथ से गेंद ने उछाल पड़ाव की थी, लहराती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। क्या गेंदबाजी कर रहे भावेश पवार, कटर कटर का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथों का जादू, बैक आर्म डिलीवरी और बाउंस भी बहुत था। फिर से भुलभुलैया, क्या बॉलिंग हो रही है भावेश पवार की। ये तेज किया था जीतू गौली, भांप नहीं पाए। लगातार तीन डॉट गेंदे दबाव बनाती हुई भावेश पवार की जीतू गौली पर, मराठा पंजाब पर तारीफ काबिल गेंदबाजी। यस, प्राइड ऑफ भिवंडी क्रिकेट, हर फन मौला खिलाड़ी भावेश पवार मुड़ते हुए। फिर एक बार अच्छी गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, रन के लिए जा रहे जीतू गौली, जोखिम भरा रन पूरा किया वहां पर जीतू ने। आजकल रायगढ़ में और रायगढ़ जिला में इनकी जो गेंदबाजी और इनका क्रिकेट भिवंडी की तरह मशहूर है, और दशरथ पाटिल ने तो इनके लिए कुछ और ही कहा था जो हम नहीं कह सकते। अजमल नासिककर ने इस एवन ट्रॉफी के लिए नाइन स्टार ग्रुप को मुबारकबाद दी, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल नासिककर, आपका इस्तकबाल है मापोली एवन ट्रॉफी 2020 में। दानिश काजी सामना करने जा रहे भावेश पवार का। इस मर्तबा गेंद पड़ने के बाद ज्यादा बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में एक रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। आज कमेंट्री बॉक्स में काफी भीड़ है भावे सर। यस, युवा नेता राष्ट्रवादी मोहम्मद भावे भी जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं भावेश पवार, अपने स्टेप में चुके, डेड बॉल का इशारा अंपायर गोकुलदास पाटिल का। इसके बाद दो फाइनल, एक ग्रामीण और एक बीसी फोर सिटी क्रिकेट। भावेश पवार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दानिश के लिए बढ़िया गेंद, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे बीटवे डॉट गेंद। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं भावेश पवार, अब तक इस ओवर में केवल एक रन खर्च किया है, दो रन खर्च किए, एक एक्स्ट्रा के रूप पर एक रन बनाया जीतू गौली ने। भावेश अगली गेंद लेकर इस बार ब्लाइंड स्विंग करना चाहते थे बीटवे डॉट गेंद। दो रनों पर अपना ओवर समाप्त किया इस कातिल खिलाड़ी ने भावेश पवार ने। देखिए भावेश पवार की एक खासियत है कि अपना ओवर बहुत जल्दी पूरा करते हैं। जब आपका ओवर पूरा जल्दी करते हैं तो बैट्समैन को सोचने का मौका नहीं रहता है, और यही कारण है कि तालुका क्रिकेट में वो बहुत ही सक्सेसफुल ऑलराउंडर है। तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 19 रन, दो विकेटों के नुकसान पर मराठा पंजाब टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। गोडगांव स्पोर्ट्स और अष्टविनायक ठाकुर पारा दोनों को ग्रैंड फिनाले ग्रामीण से महा मुकाबले के लिए तैयार रहना है। एक मापोली टेनिस क्रिकेट की टीम है और एक बीसीए भिवंडी ग्रामीण की टीम है। तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर है 19 रन,
चौथे ओवर के लिए हेमंत हरट को कंटिन्यू रखा गया है। नबील, मौसम बहुत खूबसूरत है, ठंडी हवाएं बह रही है, तेज बारिश तो कभी सर्द हवाओं में रहा, एक तेरा जिक्र था जो मेरी सदाओं में रहा, और कितने लोगों से मेरे गहरे मरासिम है, मगर एक तेरा ही चेहरा फक्त मेरी दुआओं में रहा। इस मरतबा तेज तरार गेंद, अपील और अंपायर का इशारा आउट, तीसरा झटका जीतू के रूप में। भावेश मार तो या 50 बिल्कुल। ये भावेश पवार के लिए सॉन्ग आया है, नए बैट्समैन मुनाफ शेख आए हैं, देखना है कि जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मुनाफ शेख है ना, ये जब भी आते हैं ऑडियंस के दिलों पे छा जाते हैं। हालांकि इस सीज़न में 2-3 बारियाँ ज़रूर उन्होंने खेली है, लेकिन जो उनका क्लास है वो अभी तक सामने नहीं आया है। ये अच्छा समय है उन्हें कि अपनी टीम को ये करे। हेमंत हरट तबाकुन गेंदबाजी कर रहे हैं, बॉलिंग जो किए, तीनों के तीनों विकेट हेमंत हरट के हिस्से में गए। बहुत बढ़िया अब तक गेंदबाजी की है सेमीफाइनल मुकाबले में हेमंत हरट ने। मुनाफ को अब यहां पर अपना क्लास दिखाना होगा, रन बनाने होंगे अपने टीम के लिए, क्योंकि चौथे ओवर का खेल शुरू हो चुका है और स्कोर बोर्ड पर अगर हम नजर डालें तो केवल 19 रन बने अब तक। हेमंत हरट का सामना करने के लिए तैयार मुनाफ शेख, हेमंत मुड़ते हुए मापोली एंड से, बढ़िया गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, नीचे बैकलीफ से ड्राइव किया, स्ट्राइक को रोटेट किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मुनाफ के लिए। 20 पर पहुंचा स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर मराठा पंजाब का। हेमंत हरट मुड़ते हुए दानिश के लिए, इस मरतबा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अपील और अंपायर का इशारा आउट, चौथा विकेट वो भी हेमंत हरट के हिस्से में। क्या हेमंत हरट हैट्रिक पे आए? नहीं, देखिए 27 साल के टेनिस इतिहास में अभी तक कोई LBW की हैट्रिक नहीं हुई है। हालांकि बोल्ट की हैट्रिक 9 मरतबा हुई है, लेकिन अगर LBW की हैट्रिक इंटरनेशनल में हम बात करें तो शारजा के क्रिकेट ग्राउंड पे हुई थी, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा और सचिन तेंदुलकर को आकिब जावेद की गेंदबाजी पर LBW घोषित किया गया था। देखिए दिन में काफी रन बन रहे थे, लेकिन रात में फिर फ्लड लाइट की रोशनी में रन बनाना कठिन हो रहा है। इस सीजन का पहला मुकाबला RD बनाम धनेश था, पहला हैट्रिक आतिश भामरे ने किया, पहला विकेट भावेश पवार ने लिया, पहला कैच मतीन खान ने, पहला रन आउट विवेक शेलार ने किया, पहली बाउंड्री शेखर दलवी ने लगाई, पहला सिक्सर केदार पाटिल ने लगाया, पहला गोल्डन सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी सुभाष ठाकरे, पहली गोल्डन बाउंड्री हेमंत हरट ने लगाई। हेमंत हरट मुड़ते हुए बाबा के लिए, इस बार बैकफुट पे जाके कट करना चाहते थे, बीट हुए डॉट गेंद, विकेट हैट्रिक के लिए मुदस्सर पटेल की तरफ से 2100 रुपए का इनाम। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, और अगर पहली हाफ सेंचुरी की बात करें तो जयेश पाटिल ने लगाई, पहली गेंद पे पहला विकेट बालाजी के कुमार ने हासिल किया। भावेश पवार को दिखाया जा रहा है टीवी मॉनिटर पर, हेमंत हरट बाबा के लिए, इस बीच गेंद, अपील और अंपायर का इशारा आसमान की ओर, जाना होगा बाबा को भी।
ये सीजन बाबा के लिए बहुत ही खराब चल रहा है। पिछले सीजन में की प्लेयर थे, लेकिन इस सीजन में लगातार बाबा कितने विकेट लिए हेमंत अडड ने अब तक? 5 विकेट लिए। क्या बॉलिंग कर रहे हैं हेमंत अडड, ये देखिए मोमेंट देखिए, बल्ले का सिरा छूके मतीन खान के पास, और ये जश्न मतीन खान का। हालांकि बेस्ट बॉलिंग फिगर की जहां तक इस सीजन की बात है, सबसे पहले 10 रन देकर 6 विकेट उसामा ने लिए, फिर यासिर शेख ने 10 रन देकर 6 विकेट लिए, लेकिन उनका रिकॉर्ड भावेश पवार ने जेएस ट्रॉफी गोवे में तोड़ दिया, 2 ओवर 3 रन और 6 विकेट। हालांकि 6 विकेट लेने में साकिब खान भी है नरेश मात्रे के शो जॉली में, 2 ओवर 7 रन और 6 विकेट। नए बल्लेबाज परेश आए बल्लेबाजी के लिए, यहाँ एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है मराठा पंजाब को, जो इस वक्त बन नहीं रही है। हेमंत अडड की जो गेंदबाजी हो रही है, कोई भी टिक नहीं रहा है उनके सामने। हेमंत अडड मुड़ते हुए परेश के लिए, इस मरतबा उठा दिया है गेंद हवा में, दूर से खिलाड़ी आए, और भावेश पवार ये कहां कैच छोड़ते, क्या ये अरफन मौला खिलाड़ी नहीं है? विकेट कीपिंग करते, बॉलिंग करते, बैटिंग करते, फील्डिंग करते, क्या कैच पकड़ा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच फ्रॉम भावेश पवार। ये देखिए आसमान में खड़ी रही थी और दौड़ते हुए इस कैच को लिया है वहां पे भावेश पवार ने। सौ सुनार की, एक लोहार की, और ये कैच पवार की। देखिए हेमंत अडड भी उस सब में आ गए हैं। सबसे अच्छा बॉलिंग फिगर भावेश पवार के नाम है, 2 ओवर 3 रन और 6 विकेट, जे हनुमान ट्रॉफी गोवे। उसके बाद नंबर आता है साकिब खान का, 2 ओवर 7 रन 6 विकेट, जॉली ट्रॉफी नरेश मात्रे का शो। उसके बाद आप नंबर पे आ गए हैं यहाँ पर हेमंत अडड, 2 ओवर 8 रन और 6 विकेट। उसके बाद उसामा और यासिर शेख, 2 ओवर 10 रन और 6 विकेट, ये सीजन की बेस्ट बॉलिंग फिगर है। पूरी टीम को तहस नहस कर दिया बिग बर्ड हेमंत अडड ने। भावेश पवार इस मरतबा मोड़ दिया है गेंद को, फील्डर मौजूद हैं शॉर्ट लेग पे, 1 रन बनता हुआ, लेग बाय आता हुआ, कुल मिलाकर रन कितने बने? 21 रन। 5वां ओवर चल रहा है और विकेटे जो 6 गिरी है, वो 6 के 6 विकेटे हेमंत अडड ने हासिल किए। तीसरा सबसे अच्छा बॉलिंग एनालिसिस सीजन 2019-20 बीसी फॉर सिटी क्रिकेट का। भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए मुनाफ शेख के लिए, इस बार दबा हुक कर दिया, फील्डर है मुनाफ शेख भी आउट, और ये कितने रन बनाकर आउट हुए? 1 रन बनाकर, 7वां झटका मराठा पंजाब को। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो, आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो, शेरों का मैं हूँ शेर यारो, कोई ना गुस्सा का शेर यारो, शेरों का मैं हूँ शेर यारो, कोई ना स्कोर इस वक्त 5वें ओवर में केवल 21 रन और 7 विकेट। हमारे बीच से
मुदस्सिर मुदस्सर पटेल, तौसीफ भूरे और दीगर मेहमान, विदा लेते हुए आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया, मैं 9 स्टार ग्रुप की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अष्टविनायक ठाकुर पारा के कैप्टन और घोटगांव के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। अष्टविनायक ठाकुर पारा के कैप्टन और घोटगांव के कैप्टन, ग्रैंड फिनाले महामुकाबला एमटीसी बनाम बीसीए। हमसे विदा लेते हुए इस वक्त तौसीफ भूरे, मुदस्सर पटेल और सभी उनके दोस्त, आपका बहुत पहले में 10 आए थे, दूसरे में 7 आए, तीसरे में 2 रन आए और चौथे ओवर में 1 लेग बाई का रन। एक रन आया था और तीसरे ओवर
For the loss of 8 wickets. यासिर को निकल के मारने की कोशिश, आउट स्टंपिंग। आकाश वारगरे, आप हैट्रिक पे नहीं आए हैं, हालांकि दो गेंदों में दो विकेट गिरे हैं और आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर मराठा पंजाब की। नबील क्या कहेंगे, इससे खराब बल्लेबाजी क्या हो सकती है? खराब परफॉर्म कहूंगा मैं इस वक्त मराठा पंजाब का। आप एक बड़ा मुकाबला खेल रहे, सेमीफाइनल मुकाबले में इस तरीके की परफॉर्म की अपेक्षा किसी ने नहीं की होंगी मराठा पंजाब से। आतिश पाटिल ने 9 रन बनाए, जीतू गौली ने 7, उसके बाद 2-0, 1-0, 0-3, 0, मानो किसी शहर का पिन कोड हो। आखिरी जोड़ी अब विकेट पर। कितनी गेंदे बची है डेथ ओवर की? 3 गेंदे बची है। आखिरी जोड़ी सामना करने जा रहे हैं रकीब मिर्जा। बढ़िया गेंद स्पिन होकर चली गई मतीन खान के पास। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त तमाम गेंदबाज दिनेश कुकसे के। आकाश वाडकरे बैकफुट पे गए, गेंद को खेल दिया वाइड डीप मिड ऑन पर। 1 रन रकीब मिर्जा ने, 1 रन से मराठा पंजाब का स्कोर 30 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर 30 रन। आखिरी गेंद, बढ़िया गेंद बीट किया, तो कुल 31 की चुनौती रखी है दिनेश कुकसे के सामने। इस सीजन में 15वीं मर्तबा ग्रैंड फिनाले में पहुंचने के लिए दिनेश कुकसे को, 13 कप की विजेता, 1 की रनर्स। आइए हमारे बीच जुड़ने जा रहे हैं जूफी सुसे, मापोली की मशहूर पर्सनालिटी। वेलकम वेलकम वेलकम।
आइए हम इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ आपको लिए चलते हैं। मैं असलम पटेल से कहूंगा कि हमारे बीच में वसीम बुबेरे हैं, आइए हम वसीम बुबेरे की इज्जत अफजाई करने जा रहे। असलम पटेल साहब के दस्ते मुबारक से हम वसीम बुबेरे साहब की इज्जत अफजाई कर रहे हैं। वसीम बुबेरे, आपको अपनी जगह पे खड़े रहकर हमारी इज्जत अफजाई को कबूल करना है। असलम पटेल से मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि वसीम बुबेरे, मैन फ्रॉम नाड़ा वडोली, हमारे बीच में मीनास काजी हैं। मैं फराज सानवाल और गुलाम हलवे दोनों से कहूंगा कि मीनास काजी की इज्जत अफजाई करें। मीनास काजी की हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। गुलाम हलवे और फराज सानवाल के दस्ते मुबारक से हमारे बीच में मोहसिन मुल्ला है। मैं जमीर पटेल से कहूंगा कि मोहसिन मुल्ला साहब की इज्जत अफजाई करें। जमीर पटेल के हाथों से हम मोहसिन मुल्ला साहब की इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। मोहसिन मुल्ला साहब की इज्जत अफजाई होती हुई जमीर पटेल सुपर स्टार। हमारे बीच में इलियास लोनबाल है। मैं इमरान पटेल से कहूंगा कि इलियास लोनबाल की इज्जत अफजाई करें, उन्हें खुशामदीद कहें। इलियास लोनबाल, इमरान पटेल साहब आपसे इल्तमास है। हमारे बीच में नरेश माउली हैं। मैं मुजाहिद भाभे से कहूंगा कि नरेश माउली साहब का सत्कार सम्मान और स्वागत करें। नरेश माउली साहब का सत्कार सम्मान और स्वागत होता हुआ मुजाहिद भाभे के हाथों से उन्हें शॉल पुष्प गुच्छ दिया जा रहा है। एमएस स्कूल के हमारे बीच में रिजवान सर हैं। मैं असगर पटेल से इल्तिमास करता हूं कि रिजवान सर की इज्जत अफजाई करें, पजीराई करें और उन्हें खुशामदीद कहें। असगर पटेल रिजवान सर की इज्जत अफजाई करते हुए हमारे बीच में एमएस स्कूल के सलमान सर हैं। मैं कामरान भाभे से इल्तिमास करता हूं, किंग मेकर जिन्हें कहा जाता है मापोली का, कि सलमान सर की इज्जत अफजाई करें, उन्हें मापोली एवन ट्रॉफी में खुशामदीद कहें। अब मैं जोए बल्बे से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे बीच में नमीर पटेल साहब हैं। नमीर पटेल साहब की इसके बाद इज्जत अफजाई करना है जोए बल्बे को। नमीर पटेल की इज्जत अफजाई होती हुई जोए बल्बे के हाथों से हमारे बीच में मोहम्मद गुजर साहब हैं। मैं शैलेश गायकवाड से कहूंगा कि मोहम्मद गुजर साहब की इज्जत अफजाई करें। शैलेश गायकवाड मापोली भूषण, शैलेश गायकवाड के हाथों से हम उनकी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। मोहम्मद गुजर, मोहम्मद गुजर की इज्जत अफजाई होती भी। ऑन फील्ड अंपायर, आपको मैदान में जाना है। ऑन फील्ड अंपायर, टू अपना ऑन द ग्राउंड कुमार एंड मतीन खान। खेल की शुरुआत, माइक्रोफोन पे आ रहे हैं
सुरेली आवाज के मालिक नबील दिवकर, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, खुदा किसी किसी को एक कमाल देता है। थैंक यू बाबे सर, दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त पिच पर मतीन खान और कुमार गुन, कुमार तुमार। लेकिन कल क्या बल्लेबाजी की थी मतीन खान ने। बयालीस रनों की पारी खेली थी, बहुत ही शानदार पारी खेली थी अपने टीम के लिए मतीन खान ने। इस वक्त 31 का लक्ष्य है, 36 गेंदें और 31 रन। आइए हमारे बीच में खासदार सम्माननीय कपिल पाटिल के घर के सभी जीनियस पर्सनालिटी जुड़ते हुए, प्रशांत पाटिल साहब, सिद्धेश पाटिल साहब और सुमित पाटिल साहब, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम वेलकम, सुस्वागतम। ये देखिए प्रशांत पाटिल साहब, सुमित प्रशांत पाटिल साहब हमसे जुड़ चुके हैं, सिद्धेश पाटिल साहब यंग डैशिंग एंड डायनामिक, वेलकम वेलकम वेलकम, जोरदार स्वागत हम कर रहे हैं मापोली A1 ट्रॉफी में। प्रशांत पाटिल साहब का, सिद्धेश पाटिल जी का और उनके साथ आए हुए तमाम मेहमानों का। जमीर पटेल उनके साथ में, प्रशांत जी पाटिल साहब की और सन ऑफ खासदार कपिल पाटिल साहब के साहबजादे सिद्धेश जी पाटिल की ये ग्रैंड एंट्री थी। वेलकम प्रशांत पाटिल जी एंड सिद्धेश पाटिल जी, बैक टू क्रिकेट, ओवर टू नबील दिवकर। थैंक यू बाबे सर, पहली गेंद फ्लिक कर दिया, गेंद को ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मतीन खान के लिए। इस एक रन से मतीन खान ने अपना खाता खुला, इस एक रन से दिनेश कुकसे का खाता खुला। सेमीफाइनल मुकाबला और फाइनल में पहुंचने के लिए 31 का लक्ष्य,
धनेश कुक्से को। अब स्ट्राइक पड़ा है कुमार तुमार। वेलकम इन कमेंट्री बॉक्स मजर खान। रकीब मिर्जा मुड़ते हुए इस मरतबा गेंद का पीछा किया था, ड्राइव लगाया गेंद को, कवर्स में एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक रन से स्कोर दो पर पहुंचा है। मतीन खान ने कल बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी अपने टीम के लिए, 42 की पारी खेली थी। जी बिल्कुल नबील, कल के दिन हमने देखा मतीन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, 42 रन बनाए थे और इस पूरे सीजन बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे इस वक्त मतीन खान। इस मरतबा शरीर से दूर ड्राइव किया, सफाई से नहीं खेल पाए थे। आतिश पाटिल जब तक गेंद को उठाते एक रन पूरा किया, तीन पर पहुंचा स्कोर। तो पहले ओवर का खेल इस वक्त हम देख रहे हैं, अब तक तीन रन बने, जो टारगेट है धनेश इलेवन कुक्से के सामने 31 रनों का टारगेट रखा है। आज एक बार फिर से मराठा पंजाब की जो बल्लेबाजी थी धनेश के सामने वो फ्लॉप हो चुकी है। बिल्कुल, आज हेमन हरट ने जो गेंदबाजी की है, तारीफ है काबिल गेंदबाजी की है हेमन हरट ने। इस मरतबा फ्लाइट दिया था, आखिरी मोमेंट पर बल्ले को नीचा किया और पुश किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, धीमी बल्लेबाजी हो रही इस वक्त रकीब की गेंदबाजी के सामने धनेश कुक्से की। मतीन खान सामना करने के लिए तैयार। अब तक जितने भी रन बने नबील, हमने देखा कि नीचे बैकलिप से ही बल्लेबाजों ने स्ट्रोक को खिलाए, क्योंकि वो जानते हैं इतना बड़ा टारगेट नहीं है तो नीचे बैकलिप से ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा स्विच हिट किया है, फील्डर मौजूद है श्याम चौधरी, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, एक रन पूरा किया, पांच रनों पर पहुंचा स्कोर। पहली ओवर का खेल चल रहा है, 31 के लक्ष्य का पीछा कर रही है धनेश कुक से फाइनल में टकराने के लिए, युतिका स्पोर्ट के सामने पहुंचने के लिए। इस मरतबा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीट हुए विकेट कीपर, गेंद जा रही है नॉन स्टॉप पर बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। पांच गेंदें बहुत बढ़िया की थी वहां पर रकीब ने, लेकिन ये जो गेंद रही थी लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद रही थी व्हाइट के साथ, इस वक्त पांच रन आते हुए स्कोर आगे पहुंचता हुआ 10 रनों पर। तो इस बार बल्लेबाज को मेहनत नहीं करनी पड़ी नबील, क्योंकि गेंदबाज ने काम आसान कर दिया है वहां पर। देखना है क्या कुछ हुआ है, मेरे ख्याल से रिव्यू मांगा जा रहा है, रिव्यू केवल बीमर के लिए है, लेकिन दस पर पहुंचा स्कोर इस पांच रन की मदद से। पहली ओवर का खेल चल रहा है, रकीब मुड़ते हुए इस मरतबा बहुत ही तेज ड्राइव किया है कुमार ने ऑन साइड पर, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, 11 पर पहुंचा स्कोर। एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर धनेश इलेवन कुक्से का, 31 के लक्ष्य का पीछा कर रही है धनेश इलेवन कुक्से। जी बिल्कुल, एक आसान सा टारगेट रखा है मराठा पंजाब ने, 31 रन बनाने हैं धनेश इलेवन कुक्से को और पहले ओवर में 11 रन बन चुके हैं। आप देख रहे हैं एवन ट्रॉफी 2020 ऑर्गेनाइज बाय 9 स्टार ग्रुप, ये दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त चलता हुआ, जबकि फाइनल में पहुंच चुकी है युतिका स्पोर्ट्स। इसके बाद हम ग्रामीण पूल का एक मेगा फाइनल देखेंगे, जहां पर खेलने वाली टीमें गुड़गांव और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के बीच में अगला ग्रामीण का मेगा फाइनल हम देखेंगे और उसके बाद फिर सिटी का मेगा फाइनल। ये देखिए सिद्धेश पाटिल जी को दिखाया जा रहा, साथ में उनके जमीर पटेल 9 स्टार के, प्रशांत पाटिल जी को भी दिखाया जा रहा है वहां पर। यासर शेख दूसरा ओवर लेकर आते हुए,
अपने स्टेप में चुके। इसके बाद ग्रामीण क्रिकेट का फाइनल मुकाबला गुड़गांव स्पोर्ट बनाम अष्टविनायक ठाकुर पारा के बीच, दोनों टीमों के कप्तान आपको टॉस बॉक्स में आना है, भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर टॉस बॉक्स में। ग्रामीण क्रिकेट का फाइनल मुकाबला A1 ट्रॉफी 2020 का गुड़गांव बनाम अष्टविनायक ठाकुर पारा। यासिर शेख किया गेंद, बैकलिप को नीचा किया, ड्राइव किया गेंद को, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं कुमार के लिए। जी बिल्कुल, इसके बाद हम मेगा फाइनल देखेंगे ग्रामीण पूल का, और दोनों कैप्टन आ चुके हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टॉस बॉक्स में इस वक्त दोनों ही सागर है, गुड़गांव के कैप्टन जो वो भी सागर है, और अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा के जो कैप्टन है वो भी सागर है। तो दोनों सागर इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स में आ चुके हैं। इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, मतीन खान का शॉट है ये। इस चौके की मदद से स्कोर उछलता हुआ 16 रनों पर पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तालुका क्रिकेट की चैंपियन टीम फाइनल में पहुंचने के लिए 31 के लक्ष्य का पीछा कर रही है धनेश 11 कुक से। जी बिल्कुल, नंबर वन टीम इस वक्त के सामने जो टारगेट रखा था 31 रन का, दूसरे ओवर में हम देख रहे हैं कि अब तक जो रन बन चुके हैं 16 रन, अब यहां से जो रन चाहिए 15 रन और चाहिए। यासिर मुड़ते हुए सामना करेंगे मतीन खान। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद जो है बीट करती हुई पहुंची थी जीतू गोली के पास डॉट के रूप में। जी बिल्कुल, वहां पर पंच करना चाहते थे, जगह बनाकर देखिए किस तरीके से बैकफुट पे जाके पंच करना चाहते थे, जगह नहीं बना पाए थे, गेंद लहराती हुई निकल गई थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। बिल्कुल, अपनी रफ्तार से बीट कराया इस बार यासर ने, जंपिंग पंच स्ट्रोक खेलना चाहते थे इस गेंद के ऊपर वहां पर मतीन खान। इस पर तबाह हुक करना चाहते थे, बढ़िया गेंद, डॉट गेंद। तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर यासर का, लगातार दो गेंदे वाइड डॉट की है, और इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत भी है और गुच्छों में विकेटें निकालनी होंगी अगर इस मुकाबले को जीतना और फाइनल में पहुंचना है मराठा पंजाब को। तो इस बार देखना हुक करने की कोशिश की थी वहां पर मतीन खान ने, एक और अच्छी गेंद वहां पर 1/4 दी ओवर का इशारा आता हुआ इस वक्त एम्पायर शकील कोटी द्वारा। तो बहुत बढ़िया ओवर इस वक्त घटता हुआ यासर शेख का, अब तक 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन खर्च किए। मतीन मुड़ते हुए इस मरतबा स्विच हिट किया है गेंद को, गेंद जाएंगे एक बाउंस में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया शॉट एक बार फिर से आता हुआ मतीन के बल्ले से, और मतीन जब भी बल्लेबाजी करते तो गिन गिन कर मारते हैं मतीन। हमारे बीच में हमसे जुड़ते हुए हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर इंशोर मरियम मेडिकल के प्रोप्राइटर मोहतरम आतिफ हलबे साहब हमसे जुड़ते हुए, वेलकम वेलकम वेलकम। A1 ट्रॉफी 2020 में आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है 9 स्टार ग्रुप की ओर से। मैच स्पॉन्सर आतिफ अलवे इस वक्त तशरीफ लाते हुए इंशा मरियम अब्दुल्ला और नाना मेडिकल के आतिफ अलवे जी इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए
माँ पोली की बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी इस वक्त आतिब अलवी जी हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर हमारे वीआईपी डाइस पे इस वक्त तशरीफ लाते हुए वेलकम 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 आतिब अलवी जी। तो तीसरे ओवर के लिए इस वक्त गेंदबाज जीतू गौलू को बुलाया गया जबकि दो ओवर की समाप्ति पर रन जो बने हैं 20 रन बने हैं। अब यहां से 11 रन और चाहिए जबकि गेंदे बची है 24। सामना करेंगे कुमार जीतू गौली। इस बार घूमकर खेलने की कोशिश की थी वहां पर कुमार ने नहीं ले पाए थे सही तरीके से बल्ले पर लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर स्कोर आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से बिना किसी विकेट के नुकसान पर धनेश 11 कुक से 21 रन 10 रन अब और चाहिए यहां से जबकि गेंदे बची है 13। तेवीस गेंदे और 10 रन चाहिए उसी बीच वहां पर देखना हुक कर दिया इस गेंद को गेंद के नीचे वहां पर अब जाकर गेंद को फील्ड करते उसी बीच धीमे कदमों के साथ एक रन पूरा किया वहां पर मतीन ने। इस बार खेल दिया इस गेंद को और ये कहीं दूर जाकर गिरती हुई 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से वहां पर स्ट्रोक को खेला था कुमार ने लेकर घूम गए थे इस गेंद को गेंद कहीं दूर जाकर गिरती हुई 6 रनों के लिए बहुत बढ़िया शॉट आता है इस वक्त कुमार के बल्ले से। 28 रनों पर स्कोर पहुंच चुका अब यहां से 3 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए उसी बीच वहां पर देखना है चले गए गेंद बाहर और हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर आतिब अलवी ने वहां पर कैच को छोड़ दिया लेकिन इसी के साथ यहां पर मेगा फाइनल में पहुंचती हुई धनेश 11 कुक से। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है हेमंत हरट। हमारे बीच में इस वक्त आफान खोदकर और हाशिम राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता इस वक्त हमसे जुड़ चुकी है। तो इस वक्त हेमंत हरट आ चुके हैं बहुत बढ़िया गेंदबाजी की हेमंत ने। हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रशांत पाटिल जी है मैं प्रशांत पाटिल जी से कहूंगा सर आपको ये ट्रॉफी देनी है। ये देखिए प्रशांत पाटिल जी के शुभ हाथों से इस वक्त ये ट्रॉफी देते हुए जो हमें स्पॉन्सर की है अख्तरी आसिफ थानवाल ने। आइए यंग डैशिंग और डायनामिक सिद्धेश जी पाटिल से मैं कहूंगा कि आपको हेमंत अड़ट को गिफ्ट टेम्पर रिस्ट वॉच देना है कनक इंटरप्राइजेस प्रदीप भुईड़ स्पॉन्सर सिद्धेश पाटिल के हाथों से हम ये दे रहे हैं। कुंदन पाटिल जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इंशा मेडिकल और मरियम मेडिकल आतिफ अलवे स्पॉन्सर ये मेडिकल बैग देना है। बिस्मा कम्युनिकेशन का जुबेर बोटके साहब
के हाथों से हम देने जा रहे हैं। इसके बाद सत्कार करो, ये पहले सत्कार ने पहले टॉस, अरे सत्कार करो फिर टॉस। आइए, हमारे बीच में मानिश्री कुंदन पाटिल जी है, जमीर पटेल सुपर स्टार से मैं कहूंगा कि कुंदन पाटिल जी का सत्कार सम्मान और स्वागत करें। कुंदन पाटिल जी का सत्कार सम्मान और स्वागत करने के लिए मैं जमीर पटेल जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कुंदन पाटिल जी का हम सत्कार सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं जमीर पटेल के हाथों से। ये सत्कार सम्मान और स्वागत होता हुआ आइए ग्रामीण के महामुकाबला खिताबी जंग मेगा फिनाले का टॉस होने जा रहा है। खेलने वाली टीमें मापुली टेनिस क्रिकेट से आई हुई टीम गुड़गांव स्पोर्ट और बीसीए भिवंडी क्रिकेट एसोसिएशन ग्रामीण की टीम अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा।